सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू महिंद्रा थार रॉक्स के MX5 वेरिएंट की। जी हाँ, MX5 वेरिएंट की, जो कि डीजल और पेट्रोल दोनों में आता है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं MX5 पेट्रोल वेरिएंट। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइसिंग जो स्टार्टिंग इसकी जो है स्टार्टिंग प्राइस ये है 16,49,000 से, मतलब 16,49,000 की। हाँ जी, ये इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है 16,49,000। बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल मोर वैल्यूएबल वेरिएंट है। कितना अच्छा वेरिएंट है, 1x7 से, मतलब कुछ फीचर्स ही कम है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले वाली थार में नॉर्मल वाइट येलो कलर के आते थे। इसके अंदर सी टाइप एलईडी हेडलैम्प, दोनों एलईडी हेडलैम्प्स होते हैं, साथ में हो गए हैं, जो कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, अलग ही लगता है। यह बहुत अच्छा किया कंपनी ने। ये साइड में भी इंडिकेटर में पहले यहाँ पे आता था इंडिकेटर भी, और इसके जो फॉग लैंप है फॉग लैंप भी एलईडी सेटअप्स कर दिए दोनों। और ये आगे फ्रंट वाला अपना सेंसर्स भी आ गए हैं फ्रंट। तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो देखिए कितना अच्छा साइड प्रोफाइल, कितनी चौड़ी कितनी बड़ी लगती है। और ये देखिए थार की बैजिंग भी है, और इसके अंदर जो टायर साइज़ है वो भी बेस मॉडल से ज़्यादा, ये है 255/65R18 इंच का है। और इसके अंदर एलॉय व्हील्स, मतलब डिज़ाइन वाले एलॉय व्हील मिलते हैं। ये देखिए दोनों कितने अच्छे लगते हैं, दोनों डिज़ाइन वाले एलॉय व्हील्स मिलते हैं इसके अंदर। और ये जो दिया है ना ये साइड में, ये देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये साइड में जो इंडिकेटर दिया और जो ब्लैक कलर का ये जो है ना, बहुत अच्छा लगा। इससे क्या है कि एकदम से बॉडी पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते हैं, और स्क्रैच से बचती, मतलब स्क्रैच यदि आते भी हैं तो ये हो जाता है, ऐसा गंदा सा नहीं लगता, नहीं तो एकदम से स्क्रैच वगैरह लग जाते हैं गाड़ी पे फिर उस। चलिए देखते हैं ये जो इसमें जो आता है ये मिरर, क्या ये अपने को वो आता है इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आता है, मतलब फोल्ड करना पड़ता है, मतलब पूरा जैसे अपने टॉप मॉडल में आता है वैसा नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट हो जाता है, बाकी आप वैसे भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है, अच्छा भी रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने का मतलब थोड़ा ना है। ये देखिए इसमें ये साइड में कितना अच्छा लुक है ये थार में, ये अच्छा बहुत अच्छा नया किया हुआ इन लोगों ने, अलग लगता है बिल्कुल व्रेंगलर जैसा, जैसे व्रेंगलर में नहीं होता वैसा दिया हुआ है। कितना अच्छा, कितना बढ़िया सा ये अलग एक पीस दिया हुआ है जैसे व्रेंगलर। ये देखिए ये डेजर्ट भी बनाया हुआ है इन्होंने, ये डेजर्ट और ये थार, मतलब बिल्कुल पूरी ऑफ रोड गाड़ी, बिल्कुल पूरा ऑफ रोड वाला फील दिया हुआ है भाई इस बार तो महिंद्रा ने। ये देखिए आप पीछे की बात करें, पीछे देखो, पीछे भी इन्होंने कितना अच्छा लोगो दिया हुआ है। अब देखिए देखिए एलईडी सेटअप्स पीछे भी, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि पीछे भी एलईडी सेटअप्स दिया हुआ है, सी टाइप एलईडी सेटअप्स पीछे भी पूरा दिया हुआ है कंपनी ने ये। और क्या मस्त जलते हुए पूरे दिए हुए हैं ये पीछे, ये कितना अच्छा लुक लगता है, कितनी चौड़ी चौड़ी सी लगती है। ऊपर भी आपको DRL सेटअप्स मिल जाता है, ये पूरा पैक यहाँ से पूरा ऊपर की तरफ भी, ये साइड में ये पूरा इसकी जो बैचिंग है बहुत अलग और बहुत बढ़िया लगती है, जो इसको बोल्ड लुक बनाती है। तो देखिए जो इसका जो टायर साइज़ है ना वो भी सेम ही है, मतलब महिंद्रा ने ये जो स्पेयर पार्ट जो स्पेयर व्हील जो दिया है इसका साइज़ भी 18 इंच है, सेम जितना उसका साइज़ जितना लगा के दे रही है ना उतना ही साइज़ इसका भी है, कोई उसमें कटौती नहीं की है महिंद्रा ने, ये बहुत अच्छा कर दिया। ये देखिए पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं आपको MX5 मॉडल में, और क्या चाहिए भाई आपको बताओ मुझे। ये देखिए वाइपर भी मिलता है आपको पीछे कि मतलब मिट्टी वगैरह वो हो जाए आपको, तो ये देखिए यहाँ से ये पानी आता है, और ये आपको पूरा ये भी दिया हुआ है कि आपको पीछे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये देखिए कितनी नीचे से भी जो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी कितनी ज़्यादा दी हुई है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अंदर की। ये देखिए ये अंदर का लुक इसका पूरा, देखिए कितना अच्छा बेस दिया हुआ है इन लोगों ने अंदर की तरफ, ये सॉफ्ट सीट्स हैं इसकी, और सब कुछ पैनल कितना अच्छा है, और पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है आपको इस वेरिएंट में। ये देखिए कीलेस एंट्री है इसमें, और क्या चाहिए, इतना तो
टॉप मॉडल से, मतलब वैल्यू फॉर मनी मॉडल इसको बोलना चाहिए, बहुत अच्छा मॉडल है ये। चलिए आप MX देखिए, हम बाहर से भी गाड़ी को चालू कर सकते हैं। ये देखिए, ये बटाया, ये दबाया मैंने बटन और ये गाड़ी चालू। ये देखिए, ये अंदर भी इसके अंदर कितनी बड़ी, देखो ये इस वेरिएंट MX5 वेरिएंट में भी आपको ऊपर सनरूफ मिलती है। ये आपको दिया हुआ ग्रैब हैंडल, ये मतलब ऊंची गाड़ी है भाई, ट्रक जैसी गाड़ी है, तो आपको चढ़ने के लिए पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल की तो ज़रूरत लगेगी ना। तो ये देखो, ये भी कितना अच्छा, मतलब प्रीमियम क्वालिटी का अच्छा सा दिया हुआ है ग्रैब हैंडल। ये हम बैठ गए गाड़ी में और ये टच स्टार्ट करते से ही गाड़ी स्टार्ट, ये हो गई अपनी गाड़ी स्टार्ट। क्या प्रीमियम लगता है, ऐसा लगता है इतने ऊंचे हम ट्रक में बैठे हों, मस्त तो बढ़िया से ट्रक में बैठे हैं और बढ़िया अच्छा ऊंचा ऊंचा दिखता है सब। ये खुल गई भैया हमारी सनरूफ, ये बंद हो गई। चलिए आगे देख।